स्पाइस मनी द्वारा NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे सेविंग्स अकाउंट के बारे में, NSDL पेमेंट्स बैंक में सेविंग अकाउंट कैसे खोला जाता है व उसके फायदे, साथ ही आप जानेंगे इस अकाउंट को ओपन करते वक्त कुछ खास याद रखने योग्य बातें। आइए जानते हैं सेविंग्स अकाउंट क्या है। सेविंग्स अकाउंट एक बेसिक अकाउंट टाइप है जो आपको बैंक में सुरक्षित रूप से आपका पैसा जमा करने देता है। जब भी आपको यानी कि आपके ग्राहक को आवश्यकता हो, यह पैसे की सेफ्टी और एक्सेस इंश्योर करता है। ग्राहक किसी भी समय डिजिटली या व्यक्तिगत रूप से अपने पैसे निकाल सकता है। आइए जानते हैं NSDL पेमेंट्स बैंक में आपके ग्राहक के सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के क्या फायदे हैं। बिना किसी डॉक्यूमेंट के ग्राहक NSDL पेमेंट्स बैंक में इंस्टेंटली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसमें ग्राहक को कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नॉन बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस भी जीरो है। ग्राहक को इंस्टा किट में मिलेगा डेबिट कार्ड और वेलकम लेटर। कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया में रहता है और उसकी आयु 18 साल या उससे अधिक है, वह इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। ग्राहक को अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ निर्धारित मिनिमम अमाउंट ही देना होगा। ग्राहक का NSDL पेमेंट्स में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते वक्त लगेंगे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ग्राहक का वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड, साथ ही आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर। ग्राहक के आधार कार्ड पर एड्रेस करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग से संबंधित सभी कम्युनिकेशन के लिए आधार के एड्रेस का ही उपयोग किया जाएगा। सबसे जरूरी बात, ग्राहक का नाम, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी सेम होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि ग्राहक के पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर और साथ ही उसके पास एक स्मार्टफोन हो, ताकि वह NSDL जिफी ऐप को इस्तेमाल कर सके और अपने अकाउंट को खुद मैनेज भी कर सके। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए अधिकारी के पास बायोमेट्रिक मशीन का होना अनिवार्य है। सबसे जरूरी बात, अधिकारी को EKYC प्रोसेस के लिए NSDL पेमेंट्स बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करना जरूरी है। करंट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जैसा ही है। यह वन टाइम प्रोसेस है। यदि आपका पहले से ही NSDL पेमेंट्स बैंक में करंट अकाउंट है, तो आप उसकी जानकारी हमारी कस्टमर केयर टीम के साथ शेयर करें, जिसके बाद आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए जानते हैं कैसे अधिकारी अपने ग्राहक का NSDL पेमेंट्स बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ स्पाइस मनी अधिकारी ऐप में लॉगिन करें। NSDL बैंकिंग सर्विसेज में मौजूद ओपन अकाउंट टाइप पर टैप करें। आप यहां पर सेविंग्स अकाउंट के फीचर के बारे में जान सकते हैं। यह अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या जरूरी है वह चेक कर सकते हैं। अकाउंट फीस और चार्जेस चेक कर सकते हैं और साथ ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट पर टैप करें। जो ग्राहक बैंक अकाउंट ओपन करवाने आया है, उसका मोबाइल नंबर एंटर करें। आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन पर टिक करें। डिक्लेरेशन को ध्यान पूर्वक पढ़े और एक्सेप्ट करें। प्रोसीड पर टैप करें। ध्यान रहे, अधिकारी के वॉलेट में अकाउंट ओपन करने के लिए पर्याप्त बैलेंस हो। ग्राहक के मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उससे वह ले और यहाँ एंटर करें। सबमिट पर टैप करें। आप सेविंग्स अकाउंट फॉर्म भरें, जिसमें ग्राहक की कुछ जरूरी डिटेल्स भरना जरूरी है। ग्राहक की इनकम डिटेल्स भरें, जिसके लिए फिल पर टैप करें। ग्राहक की एनुअल इनकम एंटर करें। यदि ग्राहक के पास पैन कार्ड नंबर है, तो यस सेलेक्ट करें और पैन नंबर एंटर करें। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। ग्राहक का जो नाम पैन कार्ड पर है, वह ऑटोफेच हो जाएगा। कन्फर्म पर टैप करें। यदि ग्राहक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो ग्राहक से फॉर्म 60 डिक्लेरेशन ले, जिसके लिए नो सेलेक्ट करें। ग्राहक का पूरा नाम, पिता का नाम, ग्राहक की डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। यदि उसने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यस सेलेक्ट करें। पैन एप्लीकेशन डेट और पैन एक्नॉलेज नंबर भी एंटर करें और डिक्लेरेशन दें। यदि ग्राहक ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो नो सेलेक्ट करें और एस्टिमेटेड एग्री इनकम और नॉन एग्री इनकम एंटर करें और डिक्लेरेशन दें। सबमिट डिक्लेरेशन पर टैप करें। ग्राहक की इनकम डिटेल सक्सेसफुली भरी जा चुकी है। अब ग्राहक की आधार डिटेल्स भरें, जिसके लिए फिल पर टैप करें। ग्राहक का आधार नंबर एंटर करें। आधार डिक्लेरेशन पर टिक करें। अपने पास उपलब्ध बायोमेट्रिक मशीन सेलेक्ट करें। स्कैन फिंगर पर टैप करें। ग्राहक की फिंगर स्कैनर पर रख कर स्कैन करें। ग्राहक की डिटेल्स UIDAI द्वारा ऑटोफेच हो जाएंगी। डिटेल्स को वेरीफाई कराएं और कंफर्म पर टैप करें। ग्राहक के आधार कार्ड की डिटेल्स सक्सेसफुली भरी जा चुकी हैं। अब ग्राहक की लाइव फोटो लें, जिसके लिए क्लिक पर टैप करें। ग्राहक की सेल्फी कैप्चर करें। ध्यान रहे, ग्राहक की फोटो उसके आधार कार्ड की फोटो से मैच होनी चाहिए, तभी वह अप्रूव होगी। ग्राहक की लाइव फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब अपने ग्राहक की पर्सनल डिटेल्स दर्ज करें। ग्राहक का टाइटल दर्ज करें। मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या नहीं दर्ज करें। पिता का नाम लिखें, माँ का नाम लिखें। ग्राहक क्या व्यवसाय करता है वह डालें। ग्राहक का इनकम स्लैब डालें। ईमेल आईडी दर्ज करें। कस्टमर से पूछें कि वह नॉमिनी बनाना चाहता है या नहीं। साथ ही उसे बताएं कि अकाउंट में नॉमिनी रखना कितना जरूरी है। कोई भी मिसहैपनिंग होने पर नॉमिनी बिना किसी परेशानी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकता है। ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पर यस या नो टैप करें। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें।
ग्राहक जिसको नॉमिनी रखना चाहता है उसकी डिटेल्स भरें, जिसके लिए फिल्ड पर टैप करें, नॉमिनी का नाम एंटर करें, जेंडर सेलेक्ट करें, ग्राहक के साथ उसका क्या रिलेशन है वह सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ डालें। यदि नॉमिनी और ग्राहक का एड्रेस सेम है तो सेम एज एप्लीकेंट्स एड्रेस पर टिक करें, और यदि नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो चेंज एड्रेस पर टैप करके नॉमिनी का एड्रेस एंटर करें और कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। नॉमिनी की डिटेल सक्सेसफुली भरी जा चुकी है। ग्राहक के लिए स्विप अकाउंट एक्टिवेट करें। स्विप अकाउंट RBI की गाइडलाइंस के अनुसार NSDL पेमेंट्स बैंक अकाउंट में दिन के अंत तक 2 लाख से ज्यादा का बैलेंस नहीं रख सकते हैं। तो इसके समाधान के लिए NSDL पेमेंट्स बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ स्विप अकाउंट ओपन करने का एग्रीमेंट किया है, जिसमें कि यदि ग्राहक के अकाउंट में बैलेंस दिन के अंत में 2 लाख से ज्यादा होता है तो वह पैसा स्विप अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आप इसकी पूरी जानकारी अपने ग्राहकों को दें और साथ ही इसके बेनिफिट्स भी बताएं। प्रोसीड पर टैप करें। स्विप अकाउंट खोलने हेतु ग्राहक से सहमति लें, उसके भी यहाँ पर एक्सेप्ट करें और जिसके लिए अंडरस्टूड पर टैप करें। ग्राहक का अकाउंट ओपन करने के बाद कुछ नॉमिनल चार्जेस अधिकारी के वॉलेट से डिडक्ट होंगे, जिसे वह ग्राहक से ले लें। पे पर टैप करें। ग्राहक से उसकी डिटेल्स कंफर्म करें और खुद भी करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। प्रोसीड पर टैप करें। फीचर्स और शेड्यूल ऑफ चार्जेस चेक करें और अपने ग्राहक के साथ भी शेयर करें। अंडरस्टूड पर टैप करें। इनिशियल अकाउंट फंडिंग के लिए पे अमाउंट पर टैप करें। पे नाउ पर टैप करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें, जिसके लिए ओके पर टैप करें। अकाउंट ओपनिंग के लिए कंसेंट देने के लिए ई साइन करवाएं, जिसके लिए ग्राहक का आधार नंबर या वर्चुअल आईडी एंटर करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। जनरेट OTP पर टैप करें। ग्राहक के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उससे वह लें और यहां एंटर करें। ग्राहक का अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। ग्राहक के ओपन हुए अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर विजिबल होंगी, जैसे कि ट्रांजेक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अमाउंट कलेक्टेड, ब्रांच नेम, ब्रांच IFSC कोड। ये सारी डिटेल्स आप ग्राहक से शेयर करें। लिंक InstaKit पर टैप करके ग्राहक का डेबिट कार्ड उसके सेविंग्स अकाउंट से जोड़े। जो InstaKit आप ग्राहक को दे रहे हैं उसका नंबर एंटर करें। उसमें मौजूद डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करें। कंटिन्यू पर टैप करें। ग्राहक का डेबिट कार्ड सक्सेसफुली उसके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। अधिकारी रिसिप्ट डाउनलोड करके ग्राहक के साथ शेयर करें। आप जानते हैं NSDL पेमेंट्स बैंक में ग्राहक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खाता खोलने से पहले हमेशा ग्राहक से सहमति अवश्य लें। हमेशा ग्राहक की सही और कंप्लीट जानकारी भरें। अकाउंट ओपन करने से पहले हमेशा ग्राहक को कंप्लीट एवं सही जानकारी दें। बैंक खाता खोलने के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि ग्राहक के पास वैलिड आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर हो। ग्राहक को सर्विस चार्जेस फीस के बारे में अवश्य बताएं। NSDL सेविंग्स बैंक अकाउंट के फीचर्स, बेनिफिट्स और चार्जेस शुल्क के बारे में ग्राहक को जानकारी दें। ग्राहक को हमेशा गाइड करें कि अकाउंट ओपन करते समय नॉमिनी क्यों जरूरी है, और साथ ही नॉमिनी की करेक्ट डिटेल्स एंटर करें। ग्राहकों को गाइड करें कि वे हर ट्रांजेक्शन के बाद SMS चेक जरूर करें। साथ ही ग्राहक को यह भी बताएं कि एक बार ट्रांजेक्शन होने के बाद अमाउंट वापस नहीं किया जा सकता। ग्राहक से कभी भी आधार कार्ड की कॉपी ना लें। ग्राहकों से किसी भी अनऑथराइज सर्विस चार्ज या फीस को वसूल ना करें। किसी भी ग्राहक को सर्विस देने से इनकार ना करें। ग्राहक की पर्सनल डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर, नाम, जन्म तिथि किसी तीसरे व्यक्ति, संस्था के साथ शेयर ना करें। कभी भी कोई भी फर्जी या बेनामी अकाउंट ना खोलें। अधिकारी अकेडमी ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के लिए धन्यवाद। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। स्पाइस मनी द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप हर महीने अपना स्पाइस मनी लॉगिन पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें, और साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि पासवर्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि उसमें एक बड़ा अल्फाबेट हो, एक छोटा अल्फाबेट हो, एक डिजिट हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो। कभी भी अपना नाम या अपनी जन्म तिथि को पासवर्ड में ना रखें। जानकार बने, सुरक्षित रहें।